और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, आज मेरे इस व्लॉग का थोड़ा सा पार्ट बनाने की वजह क्या है इस टाइम जहाँ मैं पहुंची हूँ वहाँ हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, आज मेरे इस व्लॉग का थोड़ा सा पार्ट बनाने की वजह क्या है इस टाइम, क्योंकि आपने पिछले व्लॉग के अंदर देखा होगा कि मैं जो गणपति विसर्जन का है वो शूट नहीं कर पाई। द रीज़न इज कि वो मुझे बाहर जाना था और उस टाइम बहुत जल्दी जल्दी में थी और मेरी रात की ही फ्लाइट थी, तो इस वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं गणपति का विसर्जन का शूट कर पाऊँ। तो इसीलिए वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा था मेरा वो व्लॉग। बट अभी क्या है कि अभी जो मेरा ब्लॉग शुरू होने वाला है उसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा वाला है, वो मेरा ट्रेवल ब्लॉग होने वाले हैं। और कहाँ कहाँ मैं गई इन गणपति वेकेशन के अंदर और मैं क्यों नहीं शूट कर पाई उसके वो सारा मैं बताऊंगी। तो उसके लिए आपको बने रहना होगा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, तो देखते रहिए आगे का ब्लॉग। तो अभी मैं जो है अब शुरू करूंगी गणपति का तो विसर्जन वाला, तो वो नहीं हो पाया था शूट, लेकिन आगे का जो ट्रेवल है वो भी उसकी बिगिनिंग करने का मुझे टाइम नहीं लगा क्योंकि बहुत क्या क्या किया, क्या खरीदा, वो सब कुछ मेरे इस ब्लॉग में देखते रहिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ आगे के ब्लॉग्स देखने के लिए। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करना, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक करना, और पसंद आए तो उसको शेयर भी करना। कितना सुंदर आर्किटेक्ट है, अभी मैं गई और कुछ खास ऐसा नहीं कुछ अपील कर रहा हूँ, लेकिन क्या है ना कि इतने टाइम से मॉल वॉल कहीं नहीं गए थे, तो देखिए ना इतना अच्छा लग रहा है ना शॉप्स वगैरह को, इससे मॉल में जाने वाली फीलिंग आ रही है। चलो अभी किसी और शॉप की तरफ विजिट। एयर टू एयरपोर्ट पे कंपैरेटिवली काफ़ी कम रश है, तो अभी हमारी फ्लाइट को बहुत टाइम है तो देखते हैं। शॉप्स वगैरह तो सब देख ली, कुछ ऐसा खास ऐसा दिखा नहीं। ओ मुंबई एयरपोर्ट की सैर, ये देखो एयरपोर्ट का ये पार्ट कितना सुंदर बना हुआ है, इट्स अ रियली वेरी ब्यूटीफुल। लॉन्च पे ये देखो गणेश चतुर्थी का कितना अच्छा सा बनाया हुआ है, ये
एयरपोर्ट पे ना इतनी ब्यूटीफुल बनी हुई है ना सीनरीज, या पूरा रास्ता चलते जाओ आपको अलग 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 सीन्स दिखेंगे। दिस लुक्स वेरी नाइस, ये पिलर वाला जो है। वाओ, ये देखो एक और ब्यूटीफुल सीनरी। सी हाउ ब्यूटीफुल, कितना बढ़िया नजारा है। फाइनली हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं, थोड़ी सी डिले हो गई है लगता है फ्लाइट। उड़ान भरने के लिए हमारा तैयार है। बहुत स्पीड, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। और कहाँ पहुंच चुके हैं ये आप अगले ब्लॉग में देखोगे। तो अगले ब्लॉग में जाने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। जहाँ मैं पहुंची हूँ वहाँ हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, और जैसे कि आपको पता है कि मतलब मुझे बाहर ट्रैवल करना था, इसलिए मैं गणपति विसर्जन का शूट नहीं कर पाई। तो कोई नहीं, बाकी आपने सब चीज़ें देख ही ली हैं।
तो इसी के साथ ही आज मैं इस वीडियो का, इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे देखने के लिए कि मैं कहाँ हूँ और किसे मिलने के लिए आई हूँ, आप मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इसी तरह। बाय।